हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ब्लॉगिंग से पैसे कमाने के चार तरीके बताने वाला हूं। अगर आप ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो इसके चार मेथड है पैसे कमाने के। कौन कौन से वो मेथड है आज की इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने कल एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि गूगल एनालिटिक्स को कैसे आप यूज कर सकते हैं, कैसे अपनी वेबसाइट के बाउंस रेट वगैरह, किस पेज पे ट्रैफिक आ रहा है, किस पेज से यूजर डिसकनेक्ट हो जा रहा है अपनी आपकी साइट से, उसके लिए मैंने गूगल एनालिटिक्स का उपयोग बताया है। ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, साथ ही साथ आई बटन पे भी आपको मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे कि आप वेबसाइट अगर शुरू करते हैं, ब्लॉग शुरू करते हैं, तो उसमें आप किन किन तरीकों का उपयोग करके पैसे अर्न कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहला तरीका तो आपको खुद पता होगा कि पहला तरीका जो होता है वो गूगल एडसेंस होता है। अगर आप ब्लॉग क्रिएट करते हैं और 10 पोस्ट 15 पोस्ट लिखने के बाद आप परेशान हो जाते हैं कि गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाए और अपनी साइट से हम अर्निंग करना स्टार्ट कर दें, तो ये पहला मेथड है और ये एक अच्छा मेथड है। इससे गूगल, आपको पता है गूगल जो एडसेंस है वो ज़्यादा रेवेन्यू देता है किसी भी अदर नेटवर्क के मुकाबले। तो गूगल एडसेंस सबसे पहला तरीका है, आप अपनी वेबसाइट पे गूगल एडसेंस का ऐड लगा के पैसे जो है कमा सकते हैं। दूसरा तरीका है दोस्तों, आप अपनी वेबसाइट पे एफिलिएट लिंक्स लगा सकते हैं। एफिलिएट लिंक्स का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल मैं आपको अपनी साइट पे दिखा देता हूँ कहाँ पे आप प्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी ये मेरी बायोग्राफी वाली साइट है, मान लीजिए, तो यहाँ पे आप हेडर में देख सकते हो ऊपर, यहाँ पे आप एड एफिलिएट लिंक लगा सकते हैं। अब एफिलिएट लिंक कौन सा आप लगा सकते हैं, जैसे कि बहुत से यहाँ पे होस्टिंग प्रोवाइडर होते हैं, जैसे कि ब्लू होस्ट, साइट ग्राउंड, A2 होस्टिंग, ये सब जितने हैं ये एफिलिएट प्रोग्राम चलाते हैं। अगर आप उनका सेल बढ़वाते हैं, आप एक बैनर यहाँ पे लगा सकते हैं, तो उसके थ्रू जो भी सेल होता है उसका कुछ परसेंट कमीशन आपको मिलता है, तो एफिलिएट से आप पैसे जो है अर्न कर सकते हैं। तीसरा हमारा तरीका है वो है दोस्तों, आप प्रोडक्ट का रिव्यू कर सकते हैं। प्रोडक्ट का रिव्यू, जैसे कि मान लीजिए आप मोबाइल वगैरह का रिव्यू करते हैं अपनी ब्लॉग में, तो वहाँ से भी आप लिंक दे सकते हैं बाय करने के लिए, और वहाँ से कोई भी अगर बाय करता है तो आपको बेनिफिट होता है, कमीशन मिलता है। और ये सारी चीज़ें आप फ्लिपकार्ट से कर सकते हैं, अमेजोन से कर सकते हैं, जितने भी मतलब एफिलिएट प्रोग्राम रन करते हैं और बड़ी बड़ी ई कॉमर्स साइटें, वहाँ से आप उनको ज्वाइन करके आप यहाँ से भी अर्निंग कर सकते हैं। फोर्थ नंबर की बात करें तो वो होता है दोस्तों, गेस्ट पोस्ट लेना। जी हाँ, पेड गेस्ट पोस्ट लेना। अगर आपकी ब्लॉग की जो अथॉरिटी है DAPA है, प्लस क्वालिटी आपकी वेबसाइट की अच्छी है, तो कुछ लोग गेस्ट पोस्ट करते हैं, मतलब आप गेस्ट पोस्ट पैसे लेकर उनको बैकलिंक्स दे सकते हैं, इससे उनको बेनिफिट होगा, साथ ही साथ आपको कुछ अर्निंग होगा। तो गेस्ट पोस्ट प्रोवाइड करके, मतलब आप दूसरों से लेके जो लोग भी आपकी साइट से चाहते हैं गेस्ट पोस्ट से बैकलिंक्स लेना, ट्रैफिक लेना अपनी साइट पे, तो उनसे आप पैसे लेके उनको ये सुविधा प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये फोर्थ नंबर था। आई होप ये चारों मेथड आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे एक ब्लॉगर इन चार मेथड का यूज करके पैसे कमाता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए आपका क्या सोचना है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आप ब्लॉगिंग सीखना चाहते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।